इंदौर आए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह सरकार पर निशाना लगाया है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सिंह की सत्ता में आते ही रेत माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा, रेत माफियाओं की डर से संत समाज चुप नहीं बैठेगा। कंप्यूटर बाबा ने बताया कि मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के आगे सरकार नतमस्तक नजर आ रही है। हालात ये है कि देवास जिले के सतवास में एसटीओपी के अमले पर हमला किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की जाने के साथ ही अवैध खनन पूर्णतः बंद किए जाने की जरूरत है, अन्यथा संत समाज चुप नहीं बैठेगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा, अवैध खनन करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं, सरकार नहीं जागी तो संत समाज आंदोलन करेगा। शिवराज सरकार के आते ही माफिया राज रेत माफिया सक्रिय हो गया है, और पिछले दिनों एसडीओपी के हम स्टाफ को हमला जो किया है और पुलिस वाले जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। शिवराज सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसी हालत में अवैध रेत खनन नहीं होना चाहिए, चाहे नर्मदा हो चाहे नदी हो, अन्यथा संत समाज चुप नहीं बैठेगा। हजारों साधु संत नर्मदा किनारे आकर के और नर्मदा अवैध खनन को रोकेगा, चाहे जो भी हो। इंदौर से रीमा यादव की रिपोर्ट।